हेलो फ्रेंड्स, भाई सबकी डिमांड आ रही थी बार बार कि भानगढ़ का व्लॉग दोबारा करो। लो लाइट में थी पहले वाली वीडियो, इस बार फुल HD है। तो भाई, अरे ये कहाँ से आ गया यार, ये कहाँ से आ गया, तू किसके साथ बैठ गया? ग्रेटर नोएडा से दोस्त आओ, तो मेरे यहाँ छोड़ दे, अकेला जा रहा था भाई। तो भाई ये भी जा रहा है साथ में, पहले तो मैं अकेला ही जा रहा था, एहसान हो रहा है। तो भाई चलते हैं, मिलते हैं वहीं पे ही। और अरे जा रहा हूँ, लगा गाड़ी उधर लगा दे। तो होटल का नाम है होटल एक्सप्रेस, नहीं होटल हाईवे एक्सप्रेस, हाईवे एक्सप्रेस। पढ़े लिखे गवार। थैंक यू सो मच सर। कहाँ गाड़ी ने लगानी नहीं आती, पीछे लगाते यार आप हीरो। Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. भाई ये पक्षपात वाली बातें लिखी हुई। We got this far, don't know how. When you loving on me, I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back sometimes I won't. अरे जब तुझे पता है जब इंग्लिश कोई आती नहीं तो जो गाने बजा रहा है क्यों है तू? हमारे को तो यही पसंद है भाई। तुम बता भाई, शेर मिलेगा? हमने शेर यार कितने किलोमीटर रह गए भैया? भाई 70 किलोमीटर रह गए, बहुत दूर है। तो करना पड़ता है भाई, व्यूअर्स की डिमांड है, क्या करें। ये थोड़ी की कमिटमेंट कर दो और करो ना यार, ऐसा थोड़ी होता है। करेंगे भाई, हम तो दो बार आएंगे भाई। 60 सब्सक्राइबर थे जब भी भानगढ़ कर दिया था, अब 75 हैं, फिर भी कर रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं। अकड़ तो देखो हमारी। बताओ व्हाट्स योर इंस्टा आईडी? ये जिन्हें इंस्टा आईडी ना पता
तो ताऊ एक चीज पूछनी थी, ताऊ एक चीज पूछनी थी। अरे ताऊ इधर ध्यान दो, ये कौन सा किलो है? ये छतरी है। छतरी किस चीज की? अभी अच्छा बगीचा तीनों राजा साहब को। अच्छा अच्छा, और ये कौन सा महल है? ये किला है आजमगढ़ का, गढ़। अच्छा ये किला है, मेन किला चाहिए? मेन किला ये। अच्छा, और एक चीज और है यहाँ पे, मैंने एक चीज और देखी है, मंदिर। ये कौन सा मंदिर है? ये वैसे तो रघुनाथ जी का है। अच्छा, अभी है चलता ही ये मंदिर? हाँ है ना। अच्छा वो आ गए अब। वो तो वही है कि मतलब वो जादूगर था और रानी ने कोई तेल मंगवाया था सिर में डालने के लिए, तो उस तेल पे जादू मार दिया था। फिर रानी ने पहचान लिया उसको, तो पत्थर की शिला थी उस पे वो तेल डलवा दिया, वो शिला उठ के और जादूगर के ऊपर जाके गिर गई। वो है उस रानी भी बाद में खत्म हो गई, तो उसी की आत्मा भटकती है। नहीं अफवाह तो नहीं है, सच होता है। 5 बजे बाद में डर रहे थे। हाँ रात को ज्यादा वो होता है। मेरा नाम है राम बाबू बंसल, जन्म यही स्थान यही से है। बाकी जो कहते हैं लोग बाग साहब रात को मार्केट बंद हो जाता है कि भूत नाचते हैं, वो ये सब अफवाह है। अच्छा, आपने अभी ऐसा कुछ महसूस भी नहीं किया अभी तक? रात को रहते हैं हम तो, कई बार जाते हैं तो हमारा रात गुजारना करना पड़ता है, दोबारा जी सोते हैं। बताते हैं वहाँ पे मना करते हैं लोग रात को रुकने के लिए, सोने ऐसे है कि ये अब गाड़ी कस्टडी में आ गई गवर्नमेंट की, मान लिया। अच्छा, तो इसकी पुलिस वाले चौकीदारी कर रहे हैं इसकी, तो यही वहाँ चौकीदारी करने का इनको दे रखा भाई आगे। भाई पहुंच गए यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, और ये मार्केट हुआ करती थी भाई भानगढ़ के किले की। बताते हैं, देखी होगी जिसने मेरी पहली वीडियो, उसको पता है गुची अरमानी पराडा इसके शोरूम थे यहाँ पे भैया। आवाजें आ रही हैं जो पहले आ रही थी, मोर की, लंगूरों की, बंदरों की। बता भाई कुछ शकली देखता है। मैं ये देखूं भाई यहाँ पे शोरूम कौन कौन से थे। तो शोरूम में नजर आ रहे ये वाला था ना ये? हाँ ये लुक्स का था। अच्छा सैलून? हाँ सैलून का। तो जे गीतांजलि को अरे वो है क्या भाई, वही है क्या? हाँ वो है भानगढ़ का किला, और वो ऊपर देख रहा तू, वहाँ तांत्रिक रहा करता था यार। अच्छा हाँ, तो ये बात है। बस यार खतरा यहाँ पे जानवरों का ही है जिस तरह से बताते हैं, और तो किसी चीज का खतरा है नहीं यहाँ पे। जानवर शेर सर, इसका नेशनल पार्क है साथ में। कहाँ पे? वो जो पहाड़ी देख ना तो पूरी सरिस्का से टच है। अच्छा हाँ, तो सरिस्का नेशनल पार्क है यहाँ पे, और जितना भी खतरा है ना भाई यहाँ पे जानवरों का ही है, और किसी चीज़ का नहीं है। भैया ये बताओ जहाँ एंट्री को कहाँ टाइम है, कहाँ है कहाँ नहीं? बाहर बोर्ड पे देखा था ना सूर्य उदय के, अभी चलेंगे दोबारा जब रात का शूट करेंगे। अच्छा, तो दोबारा बाहर चलेंगे और दोबारा बोलेंगे। ठीक है भैया। ऐसे तो एक कुंड है वहाँ पे जो उसमें कूदते हैं आके, दमदमाहट आती है क्योंकि हमारा देखा हुआ है ना, लेकिन हमारे गांव का एक लड़का था उसके साथ हुआ था। तुमने देखा था? हाँ गांव का लड़का खेल रहा था, मैं फिर मैं देखा हुआ अपनी आंखों से। भैया वो क्या नाम है? मेरा मुकुल मारू। मुकुल मारू? मारू। अच्छा कहाँ से आए हो आप? हम MIT जयपुर से आए हैं, बेसिकली मैं रहता हूँ बीकानेर। अच्छा बीकानेर से आए हो यहाँ पे, मतलब क्या भानगढ़ का किला देखने आए हुए आप यहाँ पे? हाँ हम स्टूडेंट्स हैं तो सोचा कि आज घूम लेते हैं। अच्छा, तो हम सिर्फ ट्रैवल करने आए हैं इधर। तो आप 4 ही लोग आए हो साथ में? हम 4 लोग। तो आपने सोचा होगा यहाँ पे, सुना भी होगा यहाँ के बारे में, बहुत एशिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है एज अ
सुना है बस, लेकिन हमें आई फील लग नहीं रहा, सिर्फ पत्थर पत्थर लग रहे हैं, ऑल ओवर पत्थर ही पत्थर है, बंदर है। और भी कुछ सुना है आगे बारे में? और भी कुछ, एक कोई रानी का पता नहीं, वो शायद वो है, पता नहीं कोई मंदिर है, पता नहीं कुछ है उससे रिलेटेड भी, बहुत हॉन्टेड मुझे तो लग रहा है, अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन पता नहीं क्या है एक्चुअली, क्योंकि हमें कुछ फील नहीं हुआ यहाँ पे। कुछ तो देख के आए होंगे नेट पे, नेट पे कुछ नहीं देखा, वही कुछ नेगेटिव एनर्जी पाई गई, पैरानॉर्मल एक्टिविटी। ओके, अगर आपको यहाँ पे रात को रुकने के लिए बोला जाए तो आप रुक सकते चारो? रुकने का तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मतलब एक डर है या डर ही है ना, नेगेटिव एनर्जी का फोबिया है, आई थिंक सोसाइटी रुक सकता है, लाइक कॉलेज ग्रुप फ्रेंड्स क्रेजी मस्ती, सिर्फ तुम दो जने रुको, अगर कोई भी मेरे साथ एक दो जने आप रुक सकते हैं, लाइक मेरे हिसाब से अगर फोबिया है मेरे को तो मैं क्यों रुकूंगा, लाइक अगर लगभग फोबिया किस चीज का आपको? यही जो सोसाइटी बोलती है भूत है, हॉन्टेड है, घुसने नहीं देते आपको, है फोबिया इस चीज का? हाँ है, विश्वास करते हैं भूत प्रेत में? क्यों नहीं, जरूर, व्हाई नॉट। तो आपको यहाँ पे कुछ फील भी नहीं हुआ? नहीं, लेकिन फील नहीं हुआ। आप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस पे खड़े हो और आप अभी यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे दोगे आपको यहाँ पे भूत नहीं दिखा, तो फिर किस चीज का फोबिया होगा यार? आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं, वो फोबिया तब मिटेगा ना, क्योंकि बोलता है 6 बजे के बाद जो नहीं आना इधर, अच्छा उस रात के बाद आए अपन, और फिर कुछ फील रहे तो आप? मैं बीकानेर से हूँ बेसिकली, अभी एमआईटी जयपुर। अच्छा, और अगर हम आपको मतलब ये चीज प्रूफ कर दें कि यहाँ पर कोई फोबिया नहीं है, वो रात रुक के, हम पूरी रात रुक के, हम पूरी रात रुक के फोबिया तुम्हें प्रूफ कर दें, तो हम भी क्यों ना ये ट्राई करेंगे सर, अगर बात करोगे ना, हम आपको बोले हमारे साथ रुकने के लिए तो आप रुकोगे? लाइक अभी तो आपसे ज्यादा पर्सनल नहीं है, अगर थोड़ा घुल मिल जाएंगे तो हम जरूर उठेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कॉलेज लाइफ इज लाइक फुल एंजॉयमेंट, तो हम क्यों ना एक क्रेजी थिंक करेंगे कि हाँ भाई हम वांटेड प्लेस में रुके।